नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 6 दिन पूर्व ग्राम सड़कड़क चक्राजमल के पास नहर की पुलिया पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को लूट की कुछ धनराशि, मोबाइल, अंगूठी तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अवैध शस्त्रों के साथ धर दबोचा। पुलिस ने 3 बदमाशों का चालान कर जेल भेज दिया। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवागत पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र में 17 अगस्त को ग्राम सड़कड़ा चक्राजमल के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार को अपना निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद इमरान पुत्र सरदार अली निवासी मोहल्ला मिल्कियान कस्बा सिहारा ने धामपुर में लूट की घटना के संबंध में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश फिर अन्य किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। धामपुर थाना प्रभारी रंजन कुमार शर्मा, दरोगा सुदेश पाल सिंह, कांस्टेबल गौरव राठी व दीपक राणा व स्वाट टीम प्रभारी कांता प्रसाद शर्मा, दरोगा हिमांशु चौहान, मनोज परमार, रहीश खालिद, अरुण कुमार, रंजीत मलिक व विकास टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्राम सड़कड़ा चक्राजमल नहर के पास चेकिंग अभियान के दौरान टीम ने 3 बाइक सवार बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम रिहान पुत्र मोहम्मद हसन उर्फ सद्दन, मोहल्ला अंसारियान कस्बा उमरी कला थाना जानसठ मुरादाबाद, तहसीन पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला चौधरीयान कस्बा उमरी कला थाना काट जनपद मुरादाबाद व फरमान उर्फ पामा पुत्र नजाकत निवासी मोहल्ला जुम्मे का बाजार कस्बा उमरी कला थाना काट जनपद मुरादाबाद बताया। पुलिस ने उनके पास से 17 अगस्त को लूटी गई एक अंगूठी, 2 मोबाइल व लूटी गई रकम में से 20,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, 12 बोर 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर 2 चाकू व मोटरसाइकिल बरामद की। 3 बदमाशों का पुलिस ने चालान कर जेल भेज दिया। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। 17 तारीख को धामपुर में सरकड़ा चक्राजमल के पास में 3 बाइक सवार ने लूट किया था। उनके पास से जो FIR में लिखवाया है 47,000 रुपया, अंगूठी, 2 मोबाइल फोन। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रेहान, तहसीन, फरमान, ये सभी मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उमरी गांव के नए उम्र के लड़के हैं। पूछताछ से अभी तक ये लग रहा है कि क्राइम की दुनिया में अभी इन्होंने पदार्पण किया है, लेकिन फिर भी मुरादाबाद SSP के माध्यम से इनके अपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई और वादी को जो आमने सामने किया गया तो लूट की अंगूठी, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और जो घटना में प्रयुक्त था मोटरसाइकिल और तमंचा ये बरामद हुआ है। ये भी बताया गया है कि ये पैसा 47,000 नहीं था बल्कि 20,000 था जो कि बरामदगी की जा चुकी है।